में 73वां गणतंत्र दिवस उत्साह पूर्वक मनाया गया। राष्ट्रीय पर्व के इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना वायरस गाइडलाइन का पालन करते हुए प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय बूंदी डॉक्टर सतीश सारस्वत के द्वारा एनसीसी परेड का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एवं आज के समारोह के मुख्य वक्ता प्राचार्य डॉक्टर सतीश सारस्वत के द्वारा झंडारोहण का कार्यक्रम किया गया। उसके बाद राष्ट्रगान के साथ आज के समारोह का विधिवत प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर राज्य सरकार की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए एनसीसी कैंडिडेट्स के साथ रोड स्काउट एवं एनएसएस के स्वयंसेवी भी इस समारोह में शामिल हुए। इस राष्ट्रीय समारोह में महाविद्यालय के सभी सहायक एवं सहकारी उपस्थित रहे। आज की समारोह के अवसर पर महाविद्यालय के वरिष्ठ संकाय सदस्य डॉक्टर संदीप यादव, डॉक्टर ओपी शर्मा, डॉक्टर संदीप सिंह चौहान, डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, डॉक्टर पूर्णिमा दीक्षित, डॉक्टर रोहिणी माहेश्वरी, रोवर स्काउट की दोनों इकाइयों के प्रभारी डॉक्टर विकास शर्मा, डॉक्टर भारत तेंदु गौतम, साथ ही एनएसएस की चारों इकाइयों के प्रभारी डॉक्टर सीमा चौधरी, डॉक्टर राजेश चौहान, श्री मनोज टटवाल, श्री विकास राठौड़, एनसीसी प्रभारी डॉक्टर जुबेर खान के साथ महाविद्यालय के अन्य सभी संकाय सदस्यों ने गरिमापूर्ण कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देकर इस समारोह को यादगार बनाया। आज के इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सीमा चौधरी मैडम द्वारा किया गया। अंत में राष्ट्रगान के साथ इस 73वें गणतंत्र दिवस का विधिवत समापन किया गया। वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यशामलां मातरम ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनी सुहासिनी कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजय धृत खर कर वाले ए बले मा तुम्हें अबले बहुबल धारी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरम वंदे मातरम तुम्हें विद्या तुम्हें धर्म तुम्हें मतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम श्यामलाम सरलाम सुष्मिताम भूषिताम श्यामलाम सरलाम सुष्मिताम भूषिताम धरणिम भरणिम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की झूमिंग ज्यादा करना पड़ेगा।
अंडर ऑफिसर राजेंद्र सिंह सोलंकी द्वारा मुख्य अतिथि प्राचार्य महोदय डॉक्टर सतीश सारस्वत जी को आपके के लिए प्राचार्य महोदय अंडर ऑफिसर राजेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में पायलट गोविंद गुर्जर एवं जीतू सिंह के एस्कॉर्ट में प्लाटून नंबर 1 रहेगा बाकी सब 20 स्टॉप ये सबका वजन है संभालो इसे संभालो चलो फिर से आज वो नजारा याद कर लें चलो फिर से आज वो नजारा याद कर लें शहीदों के दिलों में से वो ज्वाला याद नंबर 1 विश्राम जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पे जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पे देशभक्ति के खून की वो धारा याद कर लें बलिदानों का सपना जब सच हुआ तभी देश आजाद हुआ आओ सलाम करें इन वीरों को जिनकी शहादत से यह भारत गणतंत्र हुआ गणतंत्र मैं भारत वर्ष का हरदम अमित सम्मान करता हूँ यहाँ की प्लेट को मंच से गुजारने के लिए उतरता हूँ श्रीमान यहाँ की चांदनी मिट्टी का श्रीमान मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मुक्त पाने की तिरंगा हो कफन मेरा बस गठ नंबर 2 Thank you.
कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी। आज 73वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम के भाव का संचरण करने के लिए मैं हमारे मुख्य अतिथि प्राचार्य महोदय डॉक्टर सतीश सारस्वत जी को अपने उद्बोधन के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। स्वतंत्रता प्राप्त करे हुए इस दिवस को मनाते हुए हमें 73 वर्ष हो गए हैं, तो स्वतंत्र भारत के 73वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय एकता के प्रतीक तिरंगे को मैं नमन करता हूं। गणतंत्र दिवस एक पर्व नहीं बल्कि गौरव और अभिमान है। इस पर्व को मनाना सम्मान की बात है। हम सभी को भारत का नागरिक होने पर गर्व है। इस दिन लॉर्ड माउंटबेटन को हटाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी राष्ट्रपति बनाया गया था। इस दिन हमारे राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री सभी देशवासियों को एकजुटता और आपसी प्रेम से रहने की सलाह देते हैं। इसी कारण भारत में अनेकता में एकता पाई जाती है। हमारे संविधान की शुरुआत हम भारत के लोग अर्थात संविधान हमने बनाया और हम पर ही लागू किया। अपने संविधान को 22 विभिन्न समितियों द्वारा 2 साल 11 महीने व 18 दिन में बनाया गया। यह संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया, किंतु इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि हमारे राष्ट्र के लिए 26 जनवरी एक ऐतिहासिक तारीख है। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर संपूर्ण भारत की स्वतंत्रता का संकल्प लिया गया था और झंडा फहराया गया था। इस ऐतिहासिक दिन की याद को बनाए रखने के लिए इस दिन संविधान लागू किया गया। जैसा मैंने कहा, संविधान हमने ही बनाया और हम पर ही लागू किया। यह हमें सर्वोच्च शक्ति प्रदान करता है, जिससे हम अपनी सरकार चुनते हैं, जो शासन कर देश को उच्चतम स्तर तक ले जाने का कार्य करती है। आज 73 वर्ष हो गए, हम आत्मावलोकन करें कि क्या हमने संवैधानिक वादों को पूरा किया। बहुत कुछ कर लिया और बहुत कुछ करना बाकी है। राष्ट्र की तरक्की में सभी का सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। दुनिया के प्रत्येक देश में समाज एवं राष्ट्र निर्माण का दायित्व सदैव शिक्षक पर ही रहा है, पर दुर्भाग्य है कि समाज इस सोच से पीछे हट गया है। समाज को जात पात ऊंच नीच धर्म की संकुचित मानसिकता को छोड़ना होगा, तो हमारे देश में शांति रहेगी और हम दिन दुनी रात चौगनी प्रगति कर सकेंगे। शिक्षकों को समाज की सोच को बदलने के लिए अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। हम सभी में क्षमताएं तो बहुत हैं, लेकिन ईमान और निष्ठा के अभाव में नीतियों के क्रियान्वयन में कई तरह की विसंगतियां आ गई हैं। और यह दोनों गुण किसी पुस्तक के पढ़ने से नहीं बल्कि ईमानदार और निष्ठावान शिक्षकों के द्वारा ही संभव है। आशा है हम सभी यह पुनीत कार्य करते रहेंगे। हमारे युवा, जिनमें बहुत कुछ कर गुजरने की असीम शक्ति होती है, वह संकुचित मानसिकता का त्याग करें, जिससे हम निरंतर अग्रसर होते रहें। छात्राओं को कहना चाहूंगा कि वो अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, पूरा राष्ट्र उनका सहयोग करने को तैयार है। महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सफलता के आयाम स्थापित कर रही हैं। सभी भारतवासी अपने कार्य को पूरे परिश्रम तथा ईमानदारी से करें, तो भारत निश्चित रूप से विश्व का एक अग्रणी देश होगा। आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद। आनंद
सेल्स जो लाए हैं बूंदी में सभी प्रकार की साइकिल व इलेक्ट्रिक ई बाइक साइकिलें जो चले पैडल व बैटरी से, वो भी 7 पैसे पर किलोमीटर व लो मेंटेनेंस और प्रदूषण रहित। आनंद सेल्स कुड़ोस स्कूल के पास नैनवा रोड बूंदी। दर्शन जो है आपका अपना।